हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गो। आई एम श्योर कि आपको भी कुछ ऐसा ही दिखा होगा जब आपने ऐप ओपन की होगी कुछ 7 बजे के आसपास। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो रहा है कि पावर बैंक में हमें कुछ भी नहीं दिखता, मतलब माई डिवाइस में कुछ अपडेट नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, बहुत लैग होती है ऐप। बट मैंने नोटिस किया है ये ऐसे टाइम्स में कुछ इंटरनल चेंजेस, कुछ इंटरनल अपडेट्स ला रहे होते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको नॉर्मल रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इसमें, बट अभी तक क्या हुआ है कि ऐसा बहुत बारी हो चुका है। मेरा यकीन मानिए, जो पुराने यूज़र्स हैं इस ऐप के, जो 3 महीने से इस ऐप को चला रहे हैं, वो आपको कह सकते हैं ऐसा कि ऐसा बहुत बारी हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारी। मेरे साथ खुद इनफैक्ट मैंने बहुत बार नोटिस किया कि ऐप स्लो चलती है, आधे एक घंटे तक नहीं चलती, इंसान थोड़ा डर जाता है कि भाग तो नहीं गया। बट ऐसे मौक़ों पे अपडेट्स ला रहे होते हैं, कुछ चेंजेस ला रहे होते हैं ऐप्स में, और आधे एक घंटे के बाद ऐप नॉर्मली चलना स्टार्ट हो जाती है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग आपको डराते होंगे ये बोल के कि ऐप बंद हो जाएगी, बस कल बंद हो जाएगी, कल नहीं चलेगी। मेरा यकीन मानिए, उनको कुछ भी नहीं पता होती है, वो बस हवा में बातें कर रहे होते हैं। कोई सबूत, कोई प्रूफ आपको वो नहीं देंगे, बस इतना बोलेंगे कल ऐप नहीं चलेगी, देख लेना भाई। अभी सुनो, ये बात ना मैं पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ, 1.5 महीने से सुन रहा हूँ, और अभी तक ऐप बंद नहीं हो गई है। हाँ, पर मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। मेरा मतलब, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐप साल भर चलेगी या बहुत महीनों तक चलेगी। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ना मैं कह रहा हूँ कि ये चलेगी, ना मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं चलेगी। बट लेट्स जस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव रहने से कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अपने दिमाग को टेंशन ना दिलाओ और इस बारे में सोचो भी मत, क्योंकि देखो ऐप जब बंद होनी होगी तो सबको पता चल ही जाएगी कि ऐप बंद हो गई है। और जो एक कुछ लोग खुद से प्रेडिक्शंस और अजम्पशंस लगाते हैं ना कि भाई कल ऐप बंद होगी, मंडे को ऐप बंद होगी, देखो ज्योतिषी तो तुम हो नहीं और तुमने कुंडली तो निकाल नहीं रखी है पावर बैंक ऐप की, तो जो ये अंतर्यामी बनते हो ना, ये बंद कर दो भाई। दूसरे को टेंशन मत दिलाओ, दूसरे का दिमाग मत चाटो, ठीक है? टेंशन होती है बंदे को क्योंकि बहुत सारा पैसा लगाया होता है लोगों ने, ऐसे ही कुछ भी बड़े आए सस्ते ज्योतिषी बनने। Anyway guys, just invest carefully, stay safe and take care.